हाथरस भगदड़कांड में न्यायिक आयोग का 3 सदस्यीय दल जांच में जुट गया है। दूसरे दिन अलीगढ़ रोड पर पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में लोगों से पूछताछ की गई। उत्तर प्रदेश सरकार के न्यायिक आयोग के दल ने हाथरस में 2 जुलाई को मची भगदड़ के सिलसिले में बातचीत की। इसमें घटना के प्रत्यक्षदर्शियों और स्थानीय लोगों के अलावा अधिकारियों से भी सवाल जवाब किए गए। शॉर्टली हमने कई लोगों से पूछताछ भी की है। वी हैव नोटेड डाउन सर्टेन डिटेल्स। हम बहुत जल्दी नोटिस जारी करने जा रहे हैं, पब्लिक नोटिस, जिसमें हम लोगों को बुलाएंगे और हम बहुत जल्दी आएंगे भी यहाँ पे। जो भी संबंधित लोग हैं सबसे पूछताछ करेंगे। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। हम हर आदमी से पूछताछ करेंगे जो इससे संबंधित हो, हूएवर ही मे बी। सर, सही ऑफिशियल्स होंगे, आम जनता है, एवरीबडी जिसे हम ठीक समझेंगे, जिससे हमें मदद मिलेगी। उस सब कल आप कोर्ट पर भी गए थे सर, आपने क्या एनालाइज किया? सर एनालाइज तो छोड़िए, उसको जो चीज हमें नोट करना था हम नोट। सर एक चीज बता दीजिए कि कल से लेकर आज तक 2 दिन से आयोग की टीम यहाँ पर है, कितने लोगों के स्टेटमेंट दर्ज किए, कितने अधिकारियों के दर्ज किए, डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग लिए, क्या कुछ जांच कहाँ तक पहुंची? हमने प्रोसीजर हमने पूछताछ की है सबसे, चूंकि ऑफिशियली हम जब नोटिस जारी कर देंगे तो हम वो सब रिकॉर्ड करेंगे जी, सारे ऑफिसर्स के, जो भी संबंधित होंगे, जो पब्लिक के लोग होंगे, जो प्रेस के लोग होंगे, तो उसी से हमें मदद मिलेगी। देन वी विल प्रोसीड फर्दर। आज हमने पूछताछ की है, आज हमने बहुत लोग पब्लिक के थे, सबसे पूछताछ। सर कितने वीडियो जो हैं वो जुडिशियल कमीशन की नोटिस में है, यानी कि नॉलेज में है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे वो तो देखिए, जब इंडिविजुअली हम सभी लोगों से बात करेंगे और जो अपने बयान के साथ साथ वो जो भी अभिलेख देंगे, चाहे वो वीडियो फुटेज हो या कोई रिकॉर्डिंग हो, तो वो अपने स्टेटमेंट के साथ देंगे, उसको शामिल। नारायण साकार हरी से भी आप लोग पूछताछ करेंगे सर, अब तक की जांच में जो आया? देखिए, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। आयोग को जिस किसी से भी बात करने की आवश्यकता होगी उनके बयान लिए, कोई भी आकर बयान दे सकता है, हम सबसे जानकारी करते हैं। जी हाँ जी, ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच। नोटिस जारी हो सकता है नारायण साकार? ये तो हमें तय करने दीजिए आयोग को। सर वही पूछ, जब हम सब इकट्ठा मार्शलिंग ऑफ द फैक्ट्स करेंगे तो जिसको भी जरूरत समझेंगे सबको। बता दें कि हाथरस सत्संग में हुई भगदड़ में करीब 123 लोगों की मौत हो गई थी। अब इसकी जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बृजेश कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय दल गठित किया गया है। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी IAS के पूर्व अधिकारी हेमंत राव और भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS के पूर्व अधिकारी भावेश कुमार को शामिल किया गया है। ये दल शनिवार को हाथरस पहुंचा था और राष्ट्रीय राजमार्ग 91 पर फुलरई गांव के समीप भगदड़ स्थल का निरीक्षण किया था। जांच दल की तरफ से बताया गया है कि 2 महीने के अंदर उनको अपनी जांच रिपोर्ट सौंपनी है। NDT ऑनलाइन की रिपोर्ट।